हेलो दोस्तों, यूएस कैफे में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में होने वाली है। कैसे आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कौन बच्चा जो है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता और वो फॉर्म भरते वक्त आपकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, तो ये सब देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने यूएस कैफे को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना क्रोम या गूगल खोल लेना है और आपको कौन सी साइट फिल करनी है, तो दोस्तों आपको मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। आपको सिर्फ HKRN फिल करना है जिससे आपकी साइट खुल जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं HKRN लिखने से साइट खुल चुकी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो दोस्तों आप यहाँ से जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने आएगी और वो क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप के सामने वो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिपार्टमेंट लॉगिन है, ये डिपार्टमेंट वाले इसको सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन मतलब है रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर अपना फॉर्म आगे फिल करना होगा जिससे आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप अपना फीडबैक दे सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आपके सामने क्या प्रॉब्लम आएगी रजिस्ट्रेशन करने के वक्त। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा लिखा आएगा, डू यू हैव एन रियल वर्क एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन स्टेटरी बॉडी कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों इसमें ये लिखा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने पहले किसी डिपार्टमेंट में काम किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट या बोर्ड में काम नहीं किया तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो फ्रेशर बच्चे हैं वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार के तहत डिपार्टमेंट में काम किया है। तो दोस्तों अगर आप नो करते हो तो आपके सामने ये लिखाएगा कि आप यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर इन द साइट, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने किसी डिपार्टमेंट में काम किया तो आपको यस करना है जिससे आपका जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आगे आ जाएगा और जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होने लगेगा। और आपको यहाँ पर ओके करने के बाद आपको फैमिली आईडी भरनी होगी और दोस्तों आप फैमिली आईडी भरोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप ये फॉर्म भर सकते हो या नहीं। तो दोस्तों अगर किसी ने भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया तो वहाँ पर फैमिली आईडी जरूर दी है और यहीं से पता लग जाएगा कि आप ये फॉर्म भर सकते हो या नहीं। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको कैसे ये नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों पिछली नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि हरियाणा सीईटी के तहत अगर आपकी जो ग्रेस आएगी उसके तहत ही आपको जो यहाँ पर नौकरी दी जाएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। यहाँ पर आप सक्षम युवा के तहत देख सकते हो कि सक्षम युवा वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की डिपार्टमेंट आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट 400 पर सब इंस्पेक्टर जो मेल की, यहाँ पर सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगी जो सक्षम युवा है। और प्राइवेट जॉब में आप देख सकते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव बाइक डिलीवरी और यहाँ पर कई पोस्ट निकली हुई है जो सक्षम युवा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाली सभी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी खबरें पाने के लिए इस कैफे को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। धन्यवाद।